हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 13.1 शुरू कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रश्नावली है और बहुत सरल प्रश्नावली है। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें केवल दो चीज़ें हैं सीखने के लिए, एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो, समानुपाती वो क्या होता है, समानुपाती, और दूसरा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको सीखनी है। इसमें आपकी बुक में इस समानुपाती को एक नाम, दो नाम और दिए, एक तो दिया अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, ये इसी का नाम है, बस थोड़ा चेंज कर दिया। दूसरा प्रत्यक्ष अनुपात, प्रत्यक्ष अनुपात। तो ये सारे नाम इसी के हैं, चाहे आप इसको समानुपाती कहो, चाहे अनुक्रमानुपाती कहो, चाहे प्रत्यक्ष अनुपात कहो, सारे इसी के नाम हैं। अब समानुपाती का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई दो नंबर लिए, है ना, और नंबर आपको कौन से लेने हैं, चर नंबर, ठीक है। जैसे मैंने एक लिया ए और दूसरा लिया बी, तो ये दोनों समानुपाती है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो इसको हम कहते हैं समानुपाती। समानुपाती मतलब a प्रोपोर्शनल टू b, यानी जितना a बढ़ेगा उसी स्पीड से b भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो, उसी स्पीड का मतलब क्या होता है कि उसी तरीके से वो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है ये समझना आप। जैसे आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, क्या है, स्टूडेंट, और उन स्टूडेंट को प्रत्येक समानुपाती के क्रम में जो है उनको बुक्स दी जा रही है, क्या दी जा रही है, बुक्स यानी किताबें दी जा रही है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट को दो किताबें दी जा रही है, एक स्टूडेंट को दो किताबें दी जा रही है, तो दो स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, चार, है ना। समानुपाती का मतलब जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उसी स्पीड से ये बढ़ेगा। तो यहाँ एक था तो यहाँ दो हो गया, है ना, मतलब यहाँ एक को दो मिलता है तो दो को कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे, फिर तीन को कितने मिलेंगे, छः मिलेंगे, और चार को कितने मिलेंगे, आठ मिलेंगे। तो इसी को हम समानुपाती कहते हैं। और इन सब का देख लो अनुपात समान रहेगा, जैसे एक बटा दो है, ये आपका एकदम सरल अनुपात है ना। अनुपात मतलब ये बट्टे वाली संख्या को जब हम सरल भिन्न में बदलते हैं उसी को हम अनुपात कहते हैं। जैसे दो बटा चार है, तो इसमें अगर मैं दो का भाग दूँ दोनों में, तो देखो दो एकम दो, दो दूनी चार, तो ये भी एक बटा दो ही आया। फिर तीन बटा छः देखो, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, ये भी एक बटा दो आया। फिर चार बटा आठ देखो, चार एकम चार, चार दूनी आठ, तो सब स्थितियों में इनका मान समान रहता है, ठीक। अगर ये एक बटा दो है तो ये जो लास्ट वाला है उसको सरल करेंगे तो वो भी एक बटा दो ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं समानुपात। समानुपात मतलब अगर a बढ़ रहा है तो b भी बढ़ेगा। देखो यहाँ a बढ़ रहा है तो b भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना b भी, ठीक है। तो ये एरो इस तरफ जा रहे हैं, इन एरो को भी आपको ध्यान रखना है। एरो अगर नीचे जाता है, किस साइड में बढ़ रहा है, नीचे साइड में बढ़ रहा है, ऊपर साइड में बढ़ रहा है, तो ये एरो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नीचे बढ़ता है तो नीचे एरो लाना है, ऊपर बढ़ता है तो ऊपर एरो ले जाना है, ठीक है। यहाँ तक समान पता चला समानुपाती क्या होता है। अब है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो दो नंबर है, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको हम लिखेंगे ए प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी, यानी अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा उसी तरीके से घटेगा। बात समझ में आई, ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करो। व्युत्क्रमानु में क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और समानुपाती में क्या होगा कि एक जिस स्पीड से बढ़ रहा है बी भी उसी स्पीड से बढ़ेगा। समझ में आ गया। इसमें एरो दोनों अगर नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे, और दोनों ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। ये एरो क्या होता है वो बाद में बताऊँगा जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अभी आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पूरा समझ लेना है, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती में जैसे मैं एक सारणी बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ कुछ छात्र यानी स्टूडेंट हैं,
और नीचे में इनको जो है कुछ रुपए दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? रुपए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छात्र को 100 रुपये मिलते हैं, एक छात्र को 100 रुपये मिलते हैं, तो दो को कितने मिलेंगे? 50। दो को 50 मिलेंगे, है ना। फिर तीन को कितने मिलेंगे? भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार सारणी बना लेता हूँ, फिर आप देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ। तो तीन को कितने मिलेंगे? तो 100 में 3 का भाग दे दो, 3.33 लगभग इतना मिलेगा। ठीक है, और चार को कितने मिलेंगे? ये केवल समझाने के लिए है ना। चलो चार को कितने मिलेंगे? चार को 25-25 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तभी तो वो 25, जब एक जने को 25 मिलेगा तो चार को कितना मिल गया? 100 मिल गया, है ना। और जब मैं इन दोनों को गुणा करूँ तो देखो प्रत्येक स्थिति में आपका 100 बनना चाहिए। ये 100 बना, ये भी 100 बना, ये भी लगभग आपका 100 ही बना। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रश्न होने चाहिए थोड़े अच्छे, तो उसमें पॉइंट भी नहीं आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझना है। फिर इन दोनों को गुणा किया तो ये भी 100 बना। तो देखो ऊपर आपका बढ़ रहा है, ऊपर आपका बढ़ रहा है, लेकिन नीचे आपका घट रहा है। ठीक है, तो एक साइड में एरो नहीं गया। देखो इधर बढ़ रहा है, इस साइड में ये एरो इधर जा रहा है, लेकिन इस साइड में इधर बढ़ रहा है, इस साइड में बढ़ रहा है, तो ये एरो इधर गया। तो समानुपाती में तो दोनों एरो जिस दिशा में होते हैं उसी दिशा में जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एरो इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, और दूसरा दूसरा अगर नीचे जा रहा है तो सॉरी पहला अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा। ये एरो का खेल अभी मैं जब प्रश्न करूंगा तब आपको समझाऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि व्युत्क्रमानु क्या होता है, कि एक संख्या अगर बढ़ रही है तो दूसरी संख्या घटेगी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू होता है। ये चीज़ें आपको अभी ध्यान नहीं रखनी, ये बड़ी कक्षाओं में आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं क्योंकि समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। समानुपाती मतलब अगर पहली संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या भी उसी एवज में बढ़ेगी। व्युत्क्रमानु का मतलब अगर कोई संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या उसी एवज में घटेगी। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया? ठीक है, पूरा टॉपिक समझ गए। इसमें इस संख्या का गुणा करोगे तो ये 100 आना चाहिए। ठीक है, और समानुपाती में क्या है, उस संख्या में इनका अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी भाग देने पर बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसमें गुणा करने पर बराबर आना चाहिए, उसमें भाग देने पर बराबर आना चाहिए। अब इसमें देखो हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न संख्या एक है। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, यानी एक यहाँ पर क्या है, रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन में खूब सारा भीड़ भाड़ रहता है, तो वहाँ पर कार पार्किंग होती है, यानी कार को पार्क करने के लिए एक अलग स्थान होता है। ठीक है, अगर आप कार पार्किंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि 1 घंटे का इतना रुपया लगेगा, 2 घंटे का इतना लगेगा, तो कुछ शुल्क होता है। तो यहाँ पर देखो एक सारणी दी हुई, उसमें है 1 घंटे तक आप अगर कार रखोगे तो 60 रुपये लगेंगे, 8 घंटे तक अगर आप रखोगे तो 100 रुपये, 12 घंटे तक 140 रुपये, 24 घंटे तक 180 रुपये, तो ये आपको शुल्क देना पड़ेगा। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है क्या। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये समानुपाती है क्या। ठीक है, तो प्रश्न को बड़े ध्यान से समझो। प्रश्न में ये है कि समानुपाती कब होता है, देखो समानुपाती कब होता है ये समझो पहले, तो समानुपाती कब होता है या प्रत्यक्ष अनुपात कब होता है, प्रत्यक्ष अनुपात कब होता है, कि अगर पहला नंबर अगर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर भी उसी एवज में बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो घंटे हैं, दूसरा समय रुपए है, दूसरा क्या है, रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 घंटे में कितना रुपया लगता है, तो 4 घंटे में आपके रुपए लगते हैं 60 रुपये। ठीक है, 4 घंटे में 60 रुपये लगते हैं। तो अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्या होगा, देखो समझना है ना भाई, 4 घंटे में आपके 60 रुपये लग रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/60, 4/60। फिर दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार 8 घंटे में आपके कितने रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं। यहीं अपना काम गड़बड़ हो गया, अगर 4 घंटे में 60 रुपये लग रहे हैं तो 8 घंटे में कितने लगने थे, 120 रुपये लगने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना रुपया लग गया, 100 रुपया लग गया, यानी कि 8 रुपये में 100 रुपये लग गए। आप कहोगे सर ये बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ रहा है। भाई बढ़ तो रहा है, लेकिन उस एवज में नहीं बढ़ रहा है ना।
ठीक है, तो ये अगर 60 है तो दूसरी बार कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए था, तीसरी बार 180 होना चाहिए था, ऐसे बढ़ना चाहिए था, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रत्यक्ष अनुपात क्यों नहीं होगा। फिर 12 घंटे में कितना बढ़ रहा है, तो 12 घंटा में ये बढ़ रहा है 140 रुपये, तो ये हो गया 12 घंटा में 140 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बराबर होने चाहिए सब, तो अपना ये प्रत्यक्ष अनुपात होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगला, फिर ये कह रहा है कि 24 घंटों में, तो 24 घंटों में कितना रुपये, 180 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो 24 घंटों में 180 रुपये लग रहा है। अब मैं 4 में 60 यानी इनमें अगर मैं भाग देता हूँ, ठीक है, तो कोई भी अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। देखो 4/60 है, तो अगर मैं इसको सरल अनुपात में बदलूँ तो ये कितना आएगा, देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 × 2 = 4, और ये 30 बार जाएगा, फिर दोनों में 2 का भाग, 2 × 1 = 2, और ये 15, तो इसका सरल अनुपात कितना आया, 1/15। अब इसका चेक करो, 8/100, इसका भी 1/15 आना चाहिए। तो यहाँ देखो दोनों में 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, मैं सीधा 4 का भाग दे रहा हूँ इसमें, 4 × 2 = 8, और ये आपके गया 4 × 2 = 8 और 5 × 20, कितना आया, 2/25। अब किसी में दोनों किसी भी संख्या का दोनों में भाग नहीं जा रहा, तो इसका सरल अनुपात कितना आया, 2/25, जबकि दोनों का बराबर आना चाहिए था, बराबर आया क्या, नहीं आया। आप सबका चेक कर लेना, किसी का बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमें संख्या दी है वो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, तो ये भी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, है ना, यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष अनुपात में कब होती, कि जब एक, मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया था ना, ठीक है, एक स्टूडेंट के पास 2 किताबें हैं, तो 2 के पास कितनी होगी, 4 होगी, 3 के पास कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। तो इसमें देखो 2 हुआ तो ये 4 हो गया, है ना। तो ये अनुपात, सरल अनुपात जो होता है वो बराबर होना चाहिए, इसमें वो बैलेंस नहीं है, इसलिए यह प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, ठीक है। भाई ये बढ़ रहा है लेकिन ये भी उसके एवज में बढ़ना चाहिए, दोनों बढ़ने चाहिए लेकिन उसके एवज में बढ़ना चाहिए, यानी उनका सरल अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 2, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का 1 भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो देखो हमारे पास एक सारणी है और प्रश्न बहुत बढ़िया है, प्रश्न क्या है कि ये आपका मूल मिश्रण है, ठीक है, ये इस मूल मिश्रण के टोटल 8 भाग है, कितने भाग है, 8 भाग है, ये 8 बिंदु मैंने बनाए हैं इसमें, ठीक है, ये 8 भाग हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस 8 भाग में से 1 भाग, कोई भी 1 भाग, उसमें हमने कौन सा रंग मिलाया, लाल रंग मिलाया, उस 8 में से 1 भाग हमने लाल रंग मिलाया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जब उस पदार्थ के 4 भाग लाल रंग के होंगे तो मूल मिश्रण कितना हो जाएगा, 7 भाग लाल रंग के होंगे तो मूल मिश्रण कितना हो जाएगा, 12 भाग लाल रंग के होंगे तो मूल मिश्रण कितना हो जाएगा, और 20 भाग लाल रंग के होंगे तो मूल मिश्रण कितना हो जाएगा। अरे भैया जब देखो हमने ये 8 भाग में से ये 1 भाग लाल रंग का है, ठीक है, अब जब इस मिश्रण में 4 भाग लाल रंग के होंगे, ये 4 लाल रंग के भाग होंगे, तो मूल मिश्रण तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुपात हो रहा है, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण बताया था कि एक स्टूडेंट को 2 किताबें मिलती है, तो 4 को कितनी मिलती है, 2 को कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, है ना। तो इसमें हमने सिंपली क्या करा, इसका 2-2 से गुणा करा दिया, यहाँ 2 था तो इसका मैंने 2-2 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो गया 2 × 1 = 2, और नीचे हो गया 2 × 2 = 4। तब 3 स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, 6, तो इस 1/2 को मैंने 3-3 से गुणा करा दिया, देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है, जो तुल्य भिन्न के जैसा है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, भाई सरल भिन्न कितनी है, 1/8, ठीक है, तो जब ये 4 हो जाएंगे, तो जब ऊपर 4 हो जाएगा तो नीचे भी इसका 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, देखो 4 × 4 और 8 × 4 = 32, तो यहाँ कितना आ गया, 32, यानी जब लाल भाग 4 होंगे तो मूल भाग कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जब ऊपर
सात हो तो इनका सात से गुणा करा दो दोनों को नीचे, तो ये हो गया सात एकम सात और ये हो गया सातों आठी छप्पन, तो ये हो गया 56। ठीक है, अब 12 से गुणा करा दो तो 12 एकम 12 ऊपर हो गया 12, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा तो 12 आठे छिन्नू, है ना, तो ये हो गया 96। इसी प्रकार ऊपर 20 भाग है तो मूल भाग 1/8 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 160, तो ये हो गया 160। समझ में आया, बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, तो आपको तो केवल ये सारणी ही भरनी थी, तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितने लाल रंग के पदार्थ मिलाने चाहिए। तो देखो, पहले प्रश्न में हमने एक सारणी देखी थी, उसमें क्या था कि एक भाग लाल रंग का था, रेड रंग का था, तो जो मूल मिश्रण था वो कितना भाग था, 8 भाग था, तो वो तो उसका हिस्सा बता दिया। लेकिन अब थोड़ा प्रश्न घुमा रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वो लाल रंग का जो एक पदार्थ है, एक भाग है, ठीक है, एक भाग है, अगर एक भाग में हमें कितना मिश्रण की आवश्यकता होगी, 75 ml मिश्रण की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर, ठीक है, कितना यहाँ पर मूल मिश्रण है तो वो 75 ml है, 75 ml, और उसमें से एक भाग किसका है, लाल रंग का है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखना इसको। अब अगर मिश्रण में 1800 ml हो तो मूल लाल रंग का पदार्थ कितना मिलाना चाहिए, अगर इस मिश्रण को जो है 1800 ml कर देता हूँ तो इस लाल भाग का कितना हिस्सा होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो देखो, यहाँ एरो बनाएंगे, ये किस तरफ बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, ये 75 और ये 1800, यानी ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी नीचे की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि इस मिश्रण में एक हिस्सा और ये है 75 ml, तो ये जब 1800 ml इसको बढ़ाएंगे तो पक्का ये भी बढ़ेगा, है ना, लेकिन ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मज़े से इस प्रश्न को कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, है ना, इस एक को आप ऊपर लिखो, फिर यहाँ बट्टा लगाओ, नीचे यहाँ जिसको हमें ज्ञात करना है आप उसको क्या मान लो, एक्स, तो ये एक्स हो गया, फिर बराबर करने सा, यहाँ ऊपर कितना है 75 और नीचे कितना है 1800, समझ गए, ये काम किया आपने। अब आपको समीकरण करना है, इक्वेशन तो आपने पढ़े हैं, कैसे करेंगे, सरल, ये एक्स जो है उधर जाएगा, बाकी पूरी संख्या को हमें इधर लाना है, या एक काम करते हैं कि एक्स को आप ऊपर भेजो तो ये भी ऊपर चला जाएगा। देखो, इसको करने के 2-3 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करना, मैं 2 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका क्या है, x आप ऊपर लाओ तो जब इसको आप उल्टा करोगे, x बटा 1 करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, x बटा 1 बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा, 1800 ऊपर और 75 नीचे। ठीक है, अब x हमें ज्ञात करना है तो ये यहीं रहेगा, बाकी उधर चला जाएगा, तो x बराबर 1800/75। अब ये एक भाग में है तो इधर किस में आएगा, गुणे में आएगा, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण के रूल्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, 1800 में 75 का भाग देना है, क्योंकि एक का तो गुणा करने पर 1800 ही आएगा, तो हम सीधा इसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो इसके लिए हम 75 का पहाड़ आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, 75 का अगर मैं 2 बार पहाड़ा बोलता हूँ तो कितना आता है, देखो, 5 × 10 हासिल का 1, 7 × 14 14 × 1 15, तो मतलब 2 बार भाग जाएगा, कितना आएगा 150, ये आया 0, 18 में से 15 गए, कितने बचे 3, अगला 0 हमने उतारा। अब 75 में 3 का गुणा करें तो कितना आता है, देखो, 5 × 3 = 15 हासिल का 1, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, यानी ये 3 बार नहीं, हम 4 बार करेंगे, 75 का 4 बार गुणा करेंगे, तो 5 × 20 हासिल के 2, 7 × 28 और 2 = 30, आ गया 300, यानी 4 बार पूरा भाग चला गया, तो उत्तर कितना आया 24। तो जब हमने भाग किया तो ये उत्तर आया x बराबर 24,
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम बढ़ाएंगे, मूल मिश्रण को अगर हम बढ़ाएंगे 1800 ml कर देंगे, तो हमें रेड भाग कितना डालना पड़ेगा, 24 भाग डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ हमें आंसर भी लिखना पड़ेगा। आंसर क्या लिखना है, यदि यदि मिश्रण मिश्रण को 1800 ml किया जाए तो लाल रंग का भाग 24 करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप सीधा कर दो इसको, कैसे, ये इसके नीचे करना है ना, ये लाइन खींची, इसका मतलब इसके नीचे यहाँ पर जो लिखूँगा वो लिखना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ। एक्स को इधर भेज दो, ठीक है, ये एक्स भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा। एक अपनी जगह पर है, ये एक अपनी जगह पर है, फिर ये गुणे में है तो ये भाग में आएगा, ठीक है, ये भाग में चला गया, और ये भाग में है तो ये गुणे में आएगा, यानी ये 1800 गुणे में आ गया। ठीक है, इस स्थिति में भी हमें 1800 में क्या करना है, 75 का भाग देना है, तो ये भी कितना आएगा, 24। बस उसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि ये इस साइड में आएगा और वो जो हमने किया वो उस साइड में। तो मेरे ख्याल से जो पहला तरीका है वो सही है। अब इस प्रश्न को मैं थोड़ा व्यवस्थित करता हूँ। अब व्यवस्थित कैसे करना है, ताकि आपको वापस भी समझ में आ जाए और ठीक रहे, है ना। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था लाल रंग का भाग और यहाँ पर मिश्रण, ठीक है। तो लाल रंग का भाग अगर एक है तो मिश्रण कितना है, मिश्रण 75 ml है, ठीक है। और लाल रंग का भाग दूसरी बार हमें ज्ञात करना है, अगर हम मिश्रण को कितना कर दे, 1800 ml कर दे, ठीक है। अब यह क्या करना, अब उत्तर लिखना है, तो ये हो गया 1/x बराबर, ये हो गया 75/1800, यानी कि इधर बढ़ रहा है नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर बढ़ेगा, फिर इनको ऐसे लिख दो 1/x 75/1800 और दोनों के बीच बराबर। फिर हमने क्या करा, x को हमें ज्ञात करना है तो इसको उल्टा कर दो, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x बराबर 1800/75, ठीक है। अब ये एक उधर जाएगा तो ये भाग में है तो उधर गुणे में जाएगा, तो एक्स बराबर 1800/75 × 1, और हमने भाग दिया तो कितना आया, 24, ठीक है। अब ये भाग है 24 भाग, फिर हमें इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है कि यदि यदि मिश्रण, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है हिंदी में, ठीक है, मिश्रण को 1800 ml करने पर लाल रंग का भाग 24 हो जाएगा, या करना पड़ेगा, ऐसा लिख दो, 24 करना पड़ेगा। ये हमारा लास्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो इस प्रश्न में हमारे पास एक तो है वो मशीन जो काम कर रही है, और वो क्या कर रही है, वो बोतलें तैयार कर रही है, ठीक है, एक तरफ तो है बोतलें, और उसको कितने समय लगते हैं, ठीक है, तो एक तरफ है घंटे, तो यहाँ पर 840 बोतलें तैयार होने में कितना घंटा लगता है, उसको 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि इस मशीन को 5 घंटे में, तो घंटे के नीचे घंटा आएगा, है ना, यानी 5 घंटे में उसको कितनी बोतलें भरेगी वो हमें बताना है, ठीक है, कितनी बोतलें वो भरेगा। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ हम एक्स लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखो इस प्रश्न में बढ़ कहाँ रहा है, तो अब देखो ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना, देखो 5 और 6, तो फिक्स है कि ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसको भी ऊपर की ओर करना है। लेकिन अब जो आप बट्टा लगाओगे वो कैसे लगाओगे, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लगाओगे। पहले ऐसे था तो हमने ऊपर वाला फिर नीचे वाला और फिर बट्टा किया था, लेकिन अब ऐसा है तो पहले ऊपर वाले नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमें लिखना है एक्स बट्टा 840 बराबर, यानी एक्स पहले फिर 840, क्योंकि तीर नीचे से ऊपर जा रहा है,
फिर क्या आएगा, 5/6, तो ये आ गया 5/6। बस अब प्रश्न आपका एकदम सरल हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। तो x अपनी जगह पर, 5/6 भी अपनी जगह पर, ये भाग में है, तो ये बराबर के इधर किस में जाएगा, गुणे में, तो ये हो गया गुणा 840। ठीक है, यानी 840 में 6 का भाग देना अपने को। तो 840 में हम 6 का भाग देते हैं, 6 एकम 6, पीछे बचा 2, अगली संख्या है 4, तो 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, 24 में से 24 गया, ये एक्स्ट्रा 1 0 बच गया, वो यहाँ लगा दो। तो ये भाग कितनी बार गया आपके, 140 बार, यानी x में क्या करना है, 5 और 140 का गुणा करना है। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो 0 5 चौक 20, हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, यानी कितने बोतलें तैयार होंगी, भरेगी 700 बोतलें भरेगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी, ऐसा भी आप एक नीचे लाइन लिख सकते हो कि 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। प्रश्न संख्या 5 है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो इधर जो हमें जीवाणु दिया हुआ है उसका क्या है, चित्र है, ठीक है, और उसको अगर हम आवर्धित करें यानी उस चित्र को हम बढ़ाएं तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, उस चित्र की क्या होगी, लंबाई भी बढ़ जाएगी। अब उसने क्या करा, 50,000 गुना आवर्धित किया, यानी 50,000 गुना उसको बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसकी आवर्धित लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गई लंबाई। फिर उसके बाद में प्रश्न कहता है कि अगर उसकी वास्तविक रखें, जितनी है उतनी ही रखें, वास्तविक कितनी है, 20,000 उसकी आवर्धन है, ठीक है, वास्तविक स्थिति ये, तो उसकी अब आवर्धित लंबाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। यानी आवर्धित लंबाई, यानी हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं भाई, 50,000, देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ो, 50,000 गुना करने पर लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर 20,000 वास्तविक यही रहे तो ये कितनी होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी, जितना घटाओगे उतनी घटेगी। अब यहाँ इस चित्र में ध्यान से देखो, बढ़ किधर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, ये 20,000, ये 50,000, यानी हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना। तो क्या करना भाई, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 20,000 पहले आएगा ना, 20,000 फिर बट्टा नीचे कितना आएगा, 50,000, फिर बराबर का निशान, फिर ये भी नीचे से ऊपर, यानी x पहले और 5 बाद में। अब x अपनी जगह पर रहेगा, 5 उधर जाएगा, क्योंकि हमें तो x ज्ञात करना है, तो x यहीं रहेगा, 5 उधर जाएगा, उधर क्या है, उधर है 20,000/50,000 है ना, और ये जब 5 भाग में, उधर किस में जाएगा, गुणे में, समीकरण का रूल से, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो देखो 50,000 है नीचे और ऊपर कितना है, 5, तो 1 5 से 5 कितनी बार कटा, 1 बार, और ये भी कटा 1 बार, तो नीचे कितना आ गया, 10,000 है ना। तो देखो 5 से ये 5, तो यहाँ नीचे कितना आ गया, 10,000, फिर ये 4 0 है, 1 2 3 4, ऊपर 4 0 कट जाएंगे, ठीक है, तो फाइनल हमारे पास ये कितना आया, 2, तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये आंसर आया। यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा इसके नीचे, इसके नीचे हमें लिखना है कि यदि यदि जीवाणु की जीवाणु के चित्र की आवर्धित लंबाई, सॉरी, चित्र को 20,000 गुना रखा जाए तो आवर्धित लंबाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर थी तो 20,000 करने पर वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी।
प्रश्न संख्या 6 है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, मस्तूल, और जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है? प्रश्न समझो पहले। तो एक तरफ तो हमें दे रखा है मॉडल की लंबाई, ठीक है, और दूसरी तरफ हमें दे रखा है वास्तविक लंबाई। समझने की कोशिश करना, जैसे ये जहाज है आपका, ठीक है, ये जहाज हो गया, अब इसकी जो ये ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है, एक बार तो वो दे रहा है 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर उसका मस्तूल ऊंचा है, और मॉडल में कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये मस्तूल होता क्या है, शायद ये चीज़ होगी, ये होगी, मुझे समझ में नहीं है, लेकिन आप प्रश्न को उसका उत्तर कैसे निकालना है वो समझ लेना, ठीक है। तो एक तरफ तो हमें दे रखा है मस्तूल की लंबाई, मस्तूल की लंबाई, और दूसरी तरफ हमें दे रखा है जहाज की लंबाई, जहाज की लंबाई, ठीक है। तो मस्तूल की लंबाई जब 9 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और तब उसके जो जहाज की लंबाई थी वो हमें पता नहीं थी, ठीक है, यानी वो हमें ज्ञात करनी है। लेकिन अगर उसकी वास्तविक लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस स्थिति में जहाज की लंबाई कितनी है, 28 है, बस ये समझना था। अब इस क्वेश्चन मार्क को हम एक्स बना देते हैं। अब देखो बढ़ कहाँ रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, यानी ऐसे बढ़ रहा है, अब की बार ऐसे बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो हमें उसी प्रकार से हमें इसको बट्टे में लिखना है। तो ये हो गया 9/12 बराबर, ये कितना हो गया, एक्स 28, क्योंकि अब की बार ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब हमें एक्स ज्ञात करना है, तो ये एक्स अपनी जगह पर रहेगा, ये भी अपनी जगह पर ही है 9/12, लेकिन ये 28 भाग में है, तो जब वो इधर आएगा तो वो 28 गुने में हो जाएगा। अब हमें इसको काटना है, यानी कि भाग देने हैं। तो एक तरफ है 9/12 और दूसरी तरफ है गुना 28। तो देखो इन दोनों में तो पहले 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9 और 3 4 12 भाग चला गया। अब 4 में इसका भाग, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 से कटेगा, 4 1 4 और ये कट गया, 7 4 28। समझ में आया, ठीक है, कैसे किया? तो देखो ये दोनों 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 3 9 और 3 4 12। अब 4 के पहाड़े से ये दोनों 4 कट रहे हैं, ठीक है, तो 4 1 4 और 7 4 28, तो बचा क्या, 3 × 7 = x, ये दोनों गुणे में होंगे, तो 7 3 कितना हो गया, 21। दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आगे कर देता हूँ मैं, 21 = x, यानी कि जो जहाज की लंबाई है वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर होगी। जहाज की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये लाइन आपको इसके नीचे लिखनी है ना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9×10⁻⁷ क्रिस्टल है, सॉरी 6 क्रिस्टल है, 9×10⁻⁶ क्रिस्टल है, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? तो पहले तो प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कि जैसे एक थैली है, ठीक है, उस थैली में मेरे पास में 2 किलो चीनी है, ऐसी चीनी होती है जो पूरी भरी हुई है इस थैली में। अब इसके जो क्रिस्टल यानी इसके जो दाने हैं ना, वो टोटल कितने हैं? तो वो टोटल दाने जो है वो है 9×10⁶, यानी कि 9 के बाद में 6 0, 1 2 3 4 5 और 6, इतने जो है वो क्रिस्टल उसके अंदर है, ठीक है, ये इतना होता है, ध्यान रखना, 9 के बाद में कितने 0 6 0, 10⁶ का मतलब 6 0, जब इसका गुणा कराएंगे तो इतना आएगा, ये इतने क्रिस्टल इस थैली में है। कब? जब मैं 2 kg शक्कर लेता हूँ, 2 kg शक्कर। अब पहला देखो, तो एक तरफ तो मेरे पास हो गया kg शक्कर, ठीक है, केजी शक्कर, केजी में है शक्कर, और दूसरी तरफ इसके हो गए क्रिस्टल, ठीक है, ये पहला। पहले में क्या कहता है कि जब 5 kg हो, ठीक, तो बताओ भाई 2 kg शक्कर होने पर क्रिस्टल टोटल कितने हैं, 9×10⁶ हैं, है ना। अच्छा, तो 5 kg होंगे, 5 kg होंगे, है ना भाई, 2 kg है तो इतना है, तो 5 kg होगा तो कितना होगा, तो यहाँ क्या आ गया, x आ गया। अब देखो कैसे बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है,
यानी ऊपर से नीचे आपको इसको बट्टे में लिखना है। तो दो ऊपर पाँच नीचे बराबर, फिर 9×10^6 ऊपर और x नीचे। अब हमें x ज्ञात करना है, ठीक है। तो x को हम उधर भेज देंगे, x इधर आ जाएगा, भाग में है तो गुणे में इधर आ गया। फिर यहाँ पर 9×10^6 पहले से है। अब देखो ध्यान देना, दो ऊपर है तो दो नीचे आ जाएगा, पाँच ऊपर है तो ऊपर, पाँच नीचे है तो ऊपर गुणे में चला जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, तो सरल करने का भी एक तरीका होगा इसमें, आप ऐसे सरल नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, इसको 10 बनाना है, नीचे 10 बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा, जब मैं ऊपर नीचे पाँच पाँच का गुणा करूं, लेकिन हमारा जो उत्तर आ रहा है उसमें नीचे 4 है, नीचे कितना है 4। अच्छा, यहाँ नीचे 4 कब होगा, यहाँ नीचे 4 कब होगा, जब मैं ऊपर नीचे 2-2 का गुणा करूँ। देखो यहाँ गुणा 5 है, इसको थोड़ा हम सरल कर देते हैं। यहाँ गुणा 5 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बट्टे की जगह बट्टा, फिर 9×10^6, फिर गुणा ऊपर आ जाएगा और 5 भी ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना है 2। मुझे यहाँ उत्तर 4 बनाना है, यानी इस 5 को मुझे 10 करना है, तो गुणा किससे करना होगा, 2 से, और नीचे भी 2 से। ऐसा मैं कभी भी कर सकता हूँ, जब किसी संख्या को आप गुणा करते हो तो उसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ करो, तो वो चीज़ बैलेंस रहती है, इसका ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि ये हो गया 9×10^6 गुणा 5 का 2 से गुणा, कितना हो गया 10, फिर बट्टा 2 दूनी कितना हो गया 4। फिर क्या हुआ देखना, 10×6 यानी 6 जीरो तो है इसमें, अब 1 जीरो और जुड़ गया, तो ये कितना हो गया, 9×10^7 हो गया, बट्टा नीचे कितना है 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इतने क्रिस्टल उस 5 किलो थैली में होंगे, 5 किलो थैली में कितने क्रिस्टल होंगे, टोटल इतने क्रिस्टल होंगे। तो ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा, ठीक है, मैं सेकेंड यहाँ कर देता हूँ सेकेंड। अब वो कह रहा है कि जब 1.2 kg हो तो शक्कर, ठीक है, 1.5 kg, अब 1.2 kg, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं अब सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ इसका। तो सेकेंड पार्ट में देखो क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि भाई 2 किलो शक्कर में कितने क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल है 9×10^6 क्रिस्टल। तो अब कितना, अब है 1.2 kg, ठीक है, 1.2 kg में कितने शक्कर के क्रिस्टल होंगे, यानी ये x हो गया। अब देखो किधर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नीचे छोटा ऊपर ज़्यादा, तो अब एरो ऐसे जाएगा, और जब एरो नीचे से ऊपर जाता है तो हमें बट्टे वाली संख्या भी नीचे से ऊपर लिखनी है, यानी नीचे से ऊपर, यानी 1.2 ऊपर और 2 नीचे, x ऊपर और ये वाली नीचे, 9×10^6, ठीक है। अब क्या होगा, x यहीं रहेगा, ठीक है, x यहीं रहेगा, ये x अपनी जगह पर रहेगा, और 1.2 और 2 भी अपनी जगह पर रहेगा, ये जो भाग में है वो इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, यानी ये गुणे में 9×10^6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगा। ये छोटे छोटे नियम हमें ध्यान रहने चाहिए, या एक काम करते हैं, इस 12 में इस 2 का हम भाग दे देते हैं, इस 2 का हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 12 में अगर मैं 2 का भाग दूँ, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो एक संख्या छोड़ के हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो उत्तर क्या आएगा, 0.6, तो ये कटेगा तो 0.6 आएगा। अब मेरे पास है 0.6×9×10^6 = x, है ना। अब 9 और 6 को आप गुणा कराओ तो 9×6 कितना होता है, 54 होता है, लेकिन एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये हो गया 5.4, फिर × 10^6 = x। तो इतने क्रिस्टल जो हैं वो शक्कर के होंगे, इतने क्रिस्टल, समझ में आया, ठीक है। समझ नहीं आया तो वापस वीडियो को पीछे करके देखना। प्रश्न संख्या 8 है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क की अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है,
वह यानी कि इस प्रश्न को समझो, एक तरफ है पैमाना और एक तरफ है उसकी दूरी। अगर रश्मि 1 सेंटीमीटर पैमाना लेती है तो वो कितनी दूरी को निरूपित करता है, 18 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। अब वो कहता है कि अगर वो 72 किलोमीटर की दूरी उसमें बताती है तो बताओ उसका पैमाना कितना हुआ। यही है ना प्रश्न, समझ में आ गया। अब बढ़ा किधर, भाई यहाँ देखो 18, 72, यानी ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, तो इसमें भी ऊपर से नीचे अपने को चलना है, यानी एक ऊपर x नीचे और यहाँ पर 18 ऊपर और 72 नीचे। दो तरीके, या तो x को उधर भेज दो और बाकी सबको इधर भेज दो, या फिर इसको उल्टा कर दो। तो मैं उल्टा कर देता हूँ, x ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो जब इसको उल्टा किया तो उसको भी उल्टा करेंगे, 72 ऊपर 18 नीचे, ठीक है। अब एक उधर चला जाएगा तो x बराबर 72/18 गुणा 1, एक भाग में तो उधर गुणा में जाएगा। अब 72 में 18 का भाग दे दो तो 18 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो 72 आता है, 18 चौक 72, और 4 का 1 से गुणा होगा 4, यानी x बराबर आया 4। x बराबर कितना आया 4, यानी कि अगर वो 72 किलोमीटर चलती है तो उसका पैमाना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, 1 5 मीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे, ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। यानी आपको एक खंभा दे रखा है सीधा, ऊर्ध्वाधर यानी सीधा, और उसकी जो लंबाई है वो है 5.60, यानी कि 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। फिर इसकी जो छाया है वो नीचे बनेगी, और इसकी छाया की जो लंबाई दी है वो दी है आपके 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो दे रखा है खंभे की ऊंचाई, और दूसरी तरफ हमें क्या दे रखा है, दूसरी तरफ हमें दे रखा है इसकी छाया, है ना। तो खंभे की छाया, उसकी लंबाई, खंभे की छाया, ये हमें दे रखा है दूसरी तरफ। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें दो स्थितियों में इसका उत्तर लाना है। पहली स्थिति क्या है कि जब 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊँचा हो खंभा तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, और दूसरा जब उसी खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले दे रखा है कि जो खंभे की लंबाई है यानी ऊंचाई है वो है 5.60 शुरुआत में, और उसकी छाया की लंबाई कितनी है 3.20, यानी 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। फिर पहले प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, तो पहले में हमें ज्ञात करना है कि जब खंभे की ऊंचाई जो है वो 10.50 मीटर हो, यानी कि 10.50 मीटर हो, तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। तो इसको हम x मान लेते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा है कि किस तरफ ये बढ़ रहा है, समानुपाती का मतलब होता है बढ़ना, किस तरफ बढ़ना है। तो ये 5 है और ये 10, यानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो ये भी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब की बार ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसको हम बट्टे में लिखेंगे। तो ऊपर क्या है 5.60 बट्टा नीचे क्या है 10.50, फिर बराबर का निशान 3.20 बट्टा x, ठीक है। अब ये x उधर जाएगा, बाकी सब इधर आएंगे, तो क्या हुआ x इधर आएगा, भाग में है तो इधर ये गुणे में आएगा, इधर आ गया। अब ये पूरा उधर जाएगा, ये तो अपनी जगह पर है, 3.20 तो अपनी जगह पर है, अब ये पूरा उधर जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, गुणा है तो भाग में आ जाएगा, भाग में है तो गुणे पे आ जाएगा, तो यहाँ बट्टा लग जाएगा 10.50 ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो ये समीकरण का रूल्स होता है, नियम होता है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर देखो x बराबर ये है 3.20, तो जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर गुणे का निशान बट्टा। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हमारा उत्तर आएगा 1050 यानी 1050 और ये हो जाएगा 560, ठीक है। अब जो जीरो कटता है उसको काट दो, तो देखो ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया, क्या बचा हमारे पास 32/10 गुणा 105/56, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो है 2 के पहाड़े से भी कटते हैं, 4 के पहाड़े से भी कटते हैं और 8 के पहाड़े से भी कटते हैं, तो मैं इसको सीधा 8 के पहाड़े से काट रहा हूँ, तो 8 चौक 32
और ये आठों सात छप्पन, यानी सातों आठे छप्पन, सात बार कटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 105 में और सात का भाग जा रहा है, 105 में किसका भाग जा रहा है, सात का। देखो सात एकम सात, पीछे बचा तीन, है ना, आगे की संख्या हो गई पाँच, फिर सातों पंजे 35, कितनी बार कटा, 15 बार। तो ये सात के पहाड़े से 15 बार कटा। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x बराबर 4 × 15/10। तो 15 और 4 का गुणा करो तो 15 × 60/10, 10 से 10 कट गया। तो x बराबर 6/1 का मतलब 6, और x मतलब ये कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो इसकी छाया की जो लंबाई होगी ना, वो होगी 6 मीटर। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं ये दूसरा प्रश्न जो है वो करूँगा, है ना, इसी का दूसरा। तो अब देखो इसमें क्या है, उसी पहले तो उसी खम्भे, तो उसी खम्भे मतलब किस खम्भे, जो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचा था, 5.60, और उसकी छाया की लंबाई क्या थी, 3.20। तो ये हो गया उसी खम्भे की ऊंचाई, ये आ गई दोनों की ऊंचाई। अब उसके छाया की लंबाई दे रखी है, अब की बार वो कितनी है, 5 मीटर है, 5 मीटर का मतलब 5.00। ठीक है, ये हो गया 5 मीटर। तो अब की बार हमें खम्भे की ऊंचाई यानी कि x ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से देखो, अब किधर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो हमें ऊपर से नीचे ही जाना है। ठीक है, तो अब ये हो गया 5.60/x बराबर 3.20/5। ठीक है, ये 0.00 अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब ये x जो है, क्योंकि यहाँ पर नीचे है, हमें इसको ऊपर लाना है, तो जब मैं इसको ऊपर और इसको नीचे ले जाऊँगा, तो मुझे इसको भी ऊपर और इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो अब इस x को हम ऊपर लाएंगे और 5.60 को नीचे लाएंगे, तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये x ऊपर गया, 5.60 नीचे आया, 5 ऊपर गया और 3.20 नीचे आया। अब x को हमें यही रखना है, उसको उधर भेजना है। तो क्या हुआ, x बराबर 5/3.20, x और ये अपनी जगह पर है, ये भाग में उधर जाएगा, तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो पॉइंट के बाद दो अंक, पॉइंट के बाद दो अंक, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा, x बराबर 5 × 56/32। अब इन दोनों में 8 का पहाड़ा है, तो ये तो 7 बार कटेगा 8 के पहाड़े से, और ये 4 बार कटेगा। ठीक है, अब क्या आया हमारे पास, 5 और 7 का गुणा, 7 × 5 = 35, और नीचे कितना है 4। तो अब 35 में हम 4 का भाग देंगे, तो हम भाग देते हैं इसका 35 में 4 का भाग। ठीक है, तो 4 × 8 = 32 और 4 × 9 = 36, 36 ज़्यादा हो गया, 4 × 8 = 32, पीछे बचा 3, लगा 0.0। तो 7 × 4 = 28, 7 बार कटा, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 5 × 4 = 20। तो x बराबर कितना आया, 8.75 मीटर, यानी कि 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आया। तो कुल मिला कि यहाँ आपको क्या करना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। x ऊपर क्यों किया, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, समझ गए ना। चलो ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो एक तरफ तो हमें दिया हुआ है कि एक ट्रक है और उसका जो है वो 14 किलोमीटर की दूरी करता तय करता है 25 मिनट के अंदर। ठीक है, तो एक तो उसकी दूरी दी हुई है, ठीक है, और एक समय दिया हुआ है। अब दूरी कितनी है भाई, दूरी आपके है 14 किलोमीटर की, और इस 14 किलोमीटर को वो कब पार कर लेता है, 25 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि वो 5 घंटे में कितना समय लगेगा। तो यहाँ 5 घंटे है और यहाँ 25 मिनट है, इसका भी ध्यान रखना। तो 5 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए, 5 घंटे का मतलब देखो, 5 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 5 घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी कि 300 मिनट हो जाएगा। तो इसको भी मिनट में लिखना है, यानी 5 घंटे। ठीक है, तो 5 घंटे नहीं लिखने, यहाँ पर लिखना है 5 मिनट, या बाद में लिख देना कोई बात नहीं, चलो इसमें 5 ही लिखता हूँ मैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो ये 5 घंटे हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ x लिख देता हूँ। अब देखो बढ़ कहाँ रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, ये 5 है, ये 25 है,
यानी कि ये अब की बार नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, यानी नीचे से ऊपर हमें बट्टे में लिखना है। तो पहले x आएगा, फिर 14 आएगा, बराबर पहले 5 आएगा फिर 25 आएगा। अब ये 5 क्या है, ये 5 घंटे हैं, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ मैं लिखता हूँ घंटे और यहाँ लिखता हूँ मिनट, ठीक है। तो इसको हमें मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये x बटा 14 और ये 5 की जगह कितना हो गया, 300 मिनट हो गया और नीचे आ गया 25। अब x तो यहीं रहेगा क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, और यहाँ 300 बटा 25 भी अपनी जगह पर रहेगा। ये जो 14 है वो भाग में है तो उधर गुणे में चला जाएगा, तो इंटू 14 हो गया। तो अब हम इसमें 25 का भाग देंगे। देखो 25 चौके 100 होता है, 25 8 200 होता है, तो 25 12 300 हो जाएगा ना। तो ये आप भाग देना 300 में 25 का, मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। तो ये कितनी बार गया भाग, 12 बार गया। तो अब x बराबर कितना आया, देखो दूरी, तो 14 का हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 14, ठीक है। तो 14 दूनी 28, असल के 2, 14 एकम 14 और 2 16, 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। यानी कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।